हेलो भाइयों, मैं हूं दीपक देव। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाइयों, फिर से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल रात 3 बजे रडार ने पकड़ी है पाकिस्तान की नापाक हरकत। सुखोई मिराज ने F-16 को खदेड़ा। जी हां, पाकिस्तान का F-16 विमान कल अब हमारी सीमा में घुसने की फिर से कोशिश कर रहा था, जिस पर हमारे सुखोई मिराज ने उसको खदेड़ दिया। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। और जो भाई ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर फटाफट से जुड़ जावे। साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हमने कोई नेक्स्ट वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन तब सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। रडार ने पकड़ी पाकिस्तान की नापाक हरकत। सुखोई मिराज ने F-16 को खदेड़ा। 14 फरवरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर हमले के बाद भारत ने 26 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब भी बरकरार है। सोमवार 3 बजे के करीब पाकिस्तानी वायुसेना के 4 F-16 विमान भारतीय सीमा के बहुत करीब आ गए। पाकिस्तान ने F-16 के साथ साथ एक यूएवी भी भेजा था। यह घटना पंजाब स्थित खेमकरण सेक्टर की है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को रडार ने पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और सुखोई 30 और मिराज 2000 भेजे। भारतीय वायुसेना को आसमान में देखते ही पाकिस्तान के जेट वापस लौट गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती का पता लगाने के मकसद से सीमा के इतने करीब भेजे गए थे। 14 फरवरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना में घुसकर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें असफल हो गया था। इस दौरान भी भारतीय विमानों ने पाकिस्तान के F-16 को खदेड़ दिया था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने भी मिग विमान से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। हालांकि उनका विमान इसी दौरान क्रैश हो गया था। अभिनंदन इजेक्ट हुए, लेकिन वह पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे। पाकिस्तान ने गिरफ्त में आने के करीब 60 घंटे बाद भारत लौट आए थे। तो भाइयों, ये थी लेटेस्ट खबर। अगर आपको खबर अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट शेयर करें अपने दोस्तों यारों के पास, ताकि उन भाइयों को भी इस खबर के बारे में पता चले। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर फटाफट जुड़ जाए। साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मैं कोई अन्य नेक्स्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही भाइयों। जय हिंद, जय भारत।